पाकिस्तान बहुत आगे है बाकी दुनिया से, मतलब इंडिया एक बहुत छोटा कंट्री है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। खोपड़ी तोड़ साले। आपने देखा होगा रिसेंटली इंडिया डे बाय डे जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है अपने हर सेक्टर के अंदर, क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान इन सबके बीच में कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान बहुत आगे है बाकी दुनिया से, मतलब इंडिया एक बहुत छोटा कंट्री है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क। अच्छा, इंडिया छोटा? जी जी। आपको किसने कहा? मुझे किसने बताना था, मतलब आप नक्शा देखें। अच्छा हाँ, मतलब ज़्यादा ऊपर से देखें। ये है कि इंडिया चाहे जितने मर्जी रॉकेट बना ले, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान के आगे वो रहेगा छोटा सा ही बच्चा। किस तरह? ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ऐसे मिसाइल भी पड़े हैं जो शायद इंडिया ने कभी ना बना। लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है या नहीं? नहीं नहीं कर रहा। कभी भी पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मजबूत मुल्क बनाया है, हमारे पास बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन जमीन है। ओ भाई, अगर आपका 200 रुपया उनके 1 रुपए के बराबर है तो यही तुम्हारी औकात है। और अगर एक रोटी है तो सबको मिलकर एक एक चौथाई उसकी खानी है, और इंशाल्लाह ताला जब 4 रोटियां आएंगी तो फिर पूरी पूरी रोटी खाएंगे। 2 रोटियों के बजाय 1 पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे। कपड़ा महंगा हो गया है तो क्या कपड़े भी जरूरत को रखते हुए, इन चीजों को रखते हुए मैं आधे पहनना शुरू कर दूं? यानी अगर बगैर शर्ट काम चल सकता है तो मैं सिर्फ पतलून पहनूं, शर्ट छोड़ दूं? कोई बंदा इस मुल्क को वापस ट्रैक पे नहीं ला सकता, पीरियड। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है और हर तरफ आवाम महंगाई को लेकर परेशान है। डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से गिरकर 212 रुपए हो गया है। एक रोटी 4 लोग मिलकर खा रहे हैं। पाकिस्तान ने इतने बुरे दिन इसके पहले कभी देखे नहीं थे। पाकिस्तान के इतने बुरे हाल होने के बावजूद ये लाल टोपी वाला जैद हामिद दिल्ली और कश्मीर को काबिज करने के सपने देख रहा है। वीडियो में आगे देखें गौरव आर्य कैसे इस लाल टोपी वाले के मजे लेता है। जंग का आगाज तमाम जियोपॉलिटिकल निशानियां भी ये बता रही हैं कि कश्मीर के महाज से होगा, जो क्या भी उन्होंने जंग छेड़ दी है वहां पर। कभी कह रहे हैं श्रीनगर फतेह करेंगे, अब उन्होंने बोला श्रीनगर तो मुश्किल है, अब छोड़ दो वहां पर ठंड बहुत पड़ रही है, चलो दिल्ली से ही फतेह करते हैं। मैं कह रहा हूँ तमिलनाडु से शुरू करो, केरला से, राजस्थान से, जहां से शुरू करना है शुरू तो करो। मैं तब से इनकी पता नहीं कितने सालों से बातें सुन रहा हूँ, बातें बहुत करते हैं, बातों के बादशाह हैं, अब कुछ फिजिकल एक्शन तो कुछ हो। जैद हमीद साहब तो टोपी पहन के अपने ट्विटर स्पेस पे आ जाते हैं कि चलो अटैक करेंगे इंडिया को, अब दिल्ली चीर दो, दिल्ली को, और ये कर दो, काट दो सब काफिरों को, जान से मार दो। अच्छा, मारना तो शुरू करो यार, सर बोल बोल के थोड़ा ना। हाँ, हो सकता है कि काफिर बोरियत से मर जाए किसी दिन, मैं बता रहा हूँ, कि मुझे ही ना हार्ट अटैक आ जाए देख देख के, बोल बोल के जैद हमीद काफिरों को मार दो। अरे यार, बैठे हैं कब से वेट कर रहे हैं। दोस्त भी परेशान है, दुश्मन भी परेशान है, इवन के अगर पाकिस्तान किसी से पैसे मांगने जाता तो वो भी परेशान होगा कि ये फिर मांगने आ गए हैं, और कोई हमको रेस्क्यू भी नहीं करना चाहता हमारी हरकतें इस तरह की। एनी हो, इस वक्त जो पोजीशन है वो ये कि डॉलर जो है वो 212 रुपए का हो गया, और IMF की जो डील है उसका अभी कोई पता नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ डॉलर है और रुपए की कदर सबसे तेजी से कम हुई है। अब जो फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने तो ये कहा जनाब के और जैसे 2 रुपए भी डॉलर कम हुआ एक दिन, ठीक है, ये उनकी जो है वो अभी वो कह रहे हैं। और अगर ये 212 जो है वो अगर वहाँ पे डॉलर चला जाता है, इंटरबैंक जो है वो ट्रेड इतने पे जाती है 212 पे, तो आप इमेजिन करें मार्केट में डॉलर की क्या पोजीशन। अभी तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। और आप अगर मार्केट में जाएं तो मुझे लोग बताते हैं कि आपको डॉलर नहीं मिलेगा। इस वक्त की पोजीशन जो आपको मैं हैरान कन अगर स्टोरी बताऊं कि पाकिस्तान का जो मेन GT रोड है उसको गिरवी रखा जाएगा। पाकिस्तान के जितने भी जो PTDC होटल्स थे, जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के होटल थे, उनको भी गिरवी रखा जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद का अच्छा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसको भी गिरवी रख रहे हैं। द रीजन बिहाइंड इज द स्टेट डजंट हैव द मनी, पैसा नहीं है पास, कैसे चलाना है मुल्क को। अब वो सारी की सारी
अगर आप वो कहते हैं जी पैकेज आईएमएफ से, हम कहते हैं जी पैकेज का साइज बढ़ाओ, तो वो पैकेज का साइज कैसे बढ़ेगा? वो तो नहीं बढ़ा रहे, हमें पहले तो समझ आ गई थी 6 अरब से 8 अरब डॉलर पे चले जाएंगे। नफरतें को छोड़ नहीं सकते 2 मिनट के लिए। अगर यही मैसेज आपका ये जो उनसे अल्फाज, अगर किस कोई बारे में कोई इंडियन आपके बारे में ऐसे अल्फाज बोलता कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं रहेगा, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है उनसे, अगर कोई आपको इंडियन कहता तो आपको ये बात कैसे फील होती? देखें, बस जाहिर सी बात है, हर बंदे की अपनी अपनी एक सोच है, वो अपने तरीके से सोचते होंगे, हम पाकिस्तानी अपने तरीके से सोचते हैं। किसी भी देश के रुपए के गिरावट की सबसे बड़ी वजह होती है उस देश की खराब अर्थव्यवस्था। अभी पाकिस्तान की हालत बहुत अधिक खराब है, पूरी दुनिया को महंगाई ने चपेट में लिया हुआ है और पाकिस्तान में भी महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी लगातार घट रहा है, जिसके चलते पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। वहीं आईएमएफ से जिस राहत पैकेज की उम्मीद पाकिस्तान को है, वह लगातार टलता जा रहा है, जिससे रुपए की गिरावट थम नहीं रही। पाकिस्तानी रुपया मंगलवार को 211.48 रुपए पर बंधा हुआ है। हालांकि दिन के कारोबार के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तानी रुपए ने 212 का स्तर छू लिया। पाकिस्तानी रुपए में लगातार आ रही गिरावट से राहत सिर्फ आईएमएफ बेलआउट पैकेज के जरिए ही मिल सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रातों रात इकोनॉमी तो बेहतर हो नहीं पाएगी, सिर्फ कर्ज ही है जो रातों रात मिल सकता है। 219 में इमरान खान की सरकार ने आईएमएफ के साथ $6 बिलियन की एक डील साइन की थी, लेकिन $3 बिलियन देने के बाद आईएमएफ ने पैसा रोक दिया। अब पाकिस्तान की नई सरकार उस डील को रिन्यू करने की कोशिश कर रही है। वही यह भी बात चल रही है कि आईएमएफ पाकिस्तान के लिए $1 अरब की बेलआउट पैकेज राशि जारी कर दे। इस वक्त पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं, एटीएम में कैश नहीं है और आम आदमी परेशान हो रहा है। अभी पाकिस्तान में पेट्रोल 230 रुपए से भी अधिक महंगा हो चुका है। पाकिस्तान में अप्रैल तक महंगाई 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए 13.4% हो गई थी। मई में इसमें और तेजी आई, जिसके बाद यह 13.8% के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची। ऐसे में पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक ने हाल ही में ब्याज दरें 150 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हुए 13.75% कर दिया, ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। पाकिस्तान में हालात कितने खराब हो गए हैं, इस पर पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री शौकत तारिन ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने एक चार्ट देते हुए बताया है कि कैसे एक आम आदमी को 4 लोगों को अपना परिवार चलाने के लिए कम से कम 13,000 रुपये। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।